नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आ चुका मैं बनारस से। गर्मियों में क्यों फेमस है बनारस में लस्सी, क्यों अभी इतनी भीड़ है, जानते हैं बनारस के लस्सी के बारे में। आइए, क्यों यहाँ हाथ का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है, चलते हैं बनारस की लस्सी पे। ये है लस्सी बनाने का तरीका बनारस का, एक बार आप देख सकते हैं। पुराना तरीका, मशीन वाला नहीं, आज का फिटिंग वाला तरीका, मजा आ गया। लेकिन यहाँ मतलब हर जगह मशीनें लोग इस्तेमाल करने लगे, बहुत तगड़ा। यहाँ आके जाने का मन ही नहीं कर रहा है बनारस में आके। बनारस ऐसी जगह ही है भैया, मिट्टी भी जहाँ की पारस है उस शहर का नाम बनारस है। यहाँ का मिट्टी भी लगा लो तो तिलक लगता है। अच्छा, यहाँ का मिट्टी भी अगर आप सर से लगा लो नहा करके तो वो भी चंदन हो जाएगा। अम्मा पापा क्यों रखा गया है? क्योंकि अम्मा को अम्मा कहते हैं, पापा को पापा कहते हैं। अच्छा, अम्मा को अम्मा पापा। हाँ, हमारे लिए भगवान यही है। अरे वाह, यही बनारस की प्राथमिकता है। बनारस को बनारस क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया बनारस को? यहाँ की जो परंपराएं हैं पुरानी, वो आज भी आपको जो यहाँ मिलेंगे अब कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ लोग पुराने ढर्रे को चाहे कितना भी मॉडल हो जाए, लेकिन पुराने ढर्रे को नहीं छोड़ सकते। पांच भाइयों का परिवार है। देख रहे हो आप सामने लस्सी बन रही है, बनारस की लस्सी जो फेमस है, और भाई साहब आपको बता रहे हैं लस्सी के बारे में। मालिक माता जी, हमारे पिताजी का फोटो देखिए, इसी लाइन में बना होगा उधर लक्ष्मणपुरी महाराज। अब नहीं रहे। मजा आ गया यार, यहाँ का कल्चर देख के मन खुश हो गया। यहाँ ऑनलाइन नहीं चलता भैया। अच्छा, यहाँ आज भी पैर छू कर के ही आशीर्वाद दिया जाता है, दूर से नमस्ते नहीं। अभी बनारस की लस्सी भी, इसका रिव्यू लेते हैं हम भाई से। कैसा स्वाद रहा भाई यहाँ का? बहुत अच्छी, मतलब ऐसी लस्सी तो खैर कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसी लस्सी मिली तो आपको बनारस ही आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऐसा प्लेस नहीं है। और कमल भाई, कमल भाई आपको कैसा लगा बनारस से? घर की याद आ गई पहली बार। पहली बार घर की याद आ गई। तो आपने देखा, रिव्यू भी ले लिया मैंने आपको अभी लस्सी पी के इस दुकान पर। आप देख रहे हो तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहे। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।